हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो आज पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर का सेट 3 है। क्वेश्चन पेपर का कोड है 31/4/3। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्वेश्चंस रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर्स बता दे रही हूँ। आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों ने वही आंसर को लिखा या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 का आंसर आप लोगों का होता ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आंसर होता ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट का आंसर आप लोगों का होता बी। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ का आंसर आप लोगों का हो जाता ऑप्शन डी। इलेवेंथ का आंसर होता ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ सारे सही है। आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों ने यही किया था या नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल वीडियोज लाती रहती हूँ। 12 का आंसर हो जाता ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 का भी आंसर हो जाता ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाता ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता आप लोगों का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 से आप लोगों के जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इसका मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 17 का आंसर हो जाता ऑप्शन डी। 18th का आंसर हो जाता ऑप्शन ए। 19, 20 भी आप लोगों का असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था, तो 19 का आंसर हो जाता ऑप्शन बी। और 20 का आंसर हो जाता ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल वीडियोज लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।